एंग्रीमैन का खिताब पा चुके व नेशनल अकाली दल व उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले 25 वर्ष से पम्मा ने देश हित में आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तो देश के आम लोगों के हक में भी हर पार्टी की सरकार के खिलाफ उनकी आवाज बनकर हमेशा आगे रखे। महंगाई सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए पम्मा हमेशा ही संघर्षरत रहे हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पम्मा को सबसे गुस्सेल का खिताब से नवाजा गया। आज से 25 वर्ष पहले पम्मा ने नेशनल अकाली दल का गठन सिख राजनीति में पैर जमाने के लिए किया था। भ्रष्टाचार में डूबी अकाली दल की राजनीति उन्हें रास नहीं आई। पम्मा ने महसूस किया कि नेशनल अकाली दल के जरिए वे भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपनी पहचान बना लेंगे, लेकिन देश सेवा से पीछे रह जाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पिता जत्थेदार त्रिलोचन सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी राह राजनीतिक पार्टियों से अलग कर आम लोगों की आवाज बनने का फैसला कर लिया। आज हर पार्टी से जुड़े लोग उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, उनके कार्यों को देखकर प्रख्यात गायक भी आज उनके साथ हैं। करीब 20 वर्षों पहले प्याज के दामों में अत्यधिक वृद्धि से लोगों में इतराही तराही मच गई। पम्मा व उनके साथियों ने सरकार को नींद से जगाने के लिए अपनी जेब से महंगी दरों पर प्याज खरीदकर राशन की दरों से भी कम